एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 8 की ओपन स्काइज इंग्लिश की बुक है, उसका चैप्टर 22। जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं, हमारा टॉपिक नेम है प्रेजुडियस माइंड, यानी कि नेरो माइंडेड, जिनकी सोच छोटी होती है उसके ऊपर हमारा ये चैप्टर पूरा डिपेंड है। मैं इस चैप्टर को पूरा रीड न करवाने के बजाय मैं ब्रीफली इसकी स्टोरी बता देती हूँ, जिससे कि आपको चैप्टर है वो पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, जो हमारी पूरी स्टोरी टिकी हुई है वो ये माँ बेटी और ये जो एक वेंडर है बेचने वाला, इसके ऊपर हमारी पूरी स्टोरी टिकी हुई है। मैं सिर्फ 2 मिनट में आपको पूरी स्टोरी क्लियर करवा दूंगी। ये जो माँ बेटी है, ये इसमें रेल जो ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं, तो वहीं पे एक वेंडर आ जाता है, जो जैसे बेचने वाले, कुछ समथिंग बेचने वाले जो होते हैं वो है। तो मतलब वहां पे जो माहौल होता है, माहौल ये ऐसा है कि वहां पे जब भी हम ट्रेन में जाते हैं, जो पैसेंजर होते हैं काफी खचाखच, जो डिब्बा होता है वो भरा हुआ होता है ट्रेन के अंदर, और जो आने जाने के लिए जगह नहीं बचती है, तो काफी कोई कुछ कैसे होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, तो तरह तरह की वहां पे स्मेल आ रही है, कुछ किसी के परफ्यूम की, किसी के तेज बॉडी की, किसी के फिश की, और कई कुछ कैसे हैं वैसे हैं, तो इस तरह से कुछ अजीब सा माहौल वहां पे बना हुआ है। तो और वहां पे जो ये वेंडर है, जो बेचने वाला है, ये भी ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, और मतलब दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं है, सुंदर नहीं है। तो इसकी माँ है ये मुंह बनाती है इसको देख के, लेकिन ये बेटी है ये इसे अट्रैक्ट हो जाती है, इसे सामान लेना चाहती है, इसे कुछ खरीदना चाहती है, ये अपनी माँ को बोलती है बार बार, लेकिन इसकी माँ इसको पे ध्यान नहीं देती है। तो लेकिन एंडिंग में क्या होता है कि ये दोनों के कॉन्टेक्ट से तंग आ जाती है, फिर ये वहीं पे उसको छोड़ देते हैं, उस ट्रेन को छोड़ देते हैं, वहां पे ये उतर जाते हैं। एंडिंग में क्या होता है कि उतरते उतरते ये इसकी सोने की चेन जो होती है इस बेटी की, ये इसको थमा देती है हाथ के अंदर, लेकिन इसकी माँ को नहीं पता होता है। तो ये जब ये गाड़ी एक कैब को बुक करते हैं, तो जब कैब आती है उसके पीछे उसको बैठने के लिए देखती है, तो पीछे क्या देखती है कि ये जो वेंडर है इसके पीछे पीछे भाग रहा है। तो ये सोचती है हमारे पीछे क्यों भाग रहा है, कैसा अजीब सा इंसान है, अभी भी हमारे पीछे पीछे, अरे और तेज भागने लग जाती है, ये इनके और पीछे आ रहा है। तो फटाक देर से ये दोनों, ये जो माँ है इसको बेटी को, और कैब के अंदर पुश करके खुद भी बैठ जाती है, और फिर तुरंत उसे चलने के लिए कहती है। लेकिन वहीं भी तभी सडन वहां पे आ जाता है उनका पीछा करते हुए, काफी रसली उनको फॉलो करता है, लेकिन इसकी ये जो मदर है ये का गलत समझ लेती है, फिर तभी अचानक ये वो सोने की चैन इसको दिखाता है। तो ये मदर सोचती है कि ये तो मेरी बेटी की है, तो कहता है कि ये आपकी बेटी ने मुझे दे दिया था, मैं इसको लौटाने के लिए आपके पीछे पीछे भाग रहा था। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, इसकी माँ को काफी पछतावा होता है, और कहती है कि मैंने आपको गलत समझा। और फिर उसी दिन से ये ऐसे इंसानों के बारे में इसकी जो सोच होती है, इसकी जो माइंड होता है वो चेंज हो जाता है, उनके बारे में ये अच्छा सोचने लग जाती है। पूरे चैप्टर के अंदर यही कहानी है। तो ये इससे हमें ये जो एक कंक्लूजन निकल के आता है कि हमें छोटे इंसानों को हमें कम नहीं समझना चाहिए। वो बेचारे काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो कैसा भी हो, लेकिन अपना पेट भरते हैं, तो उनको हमें इज्जत से, सम्मान से देखना चाहिए, उनके साथ हमें ऐसी घिनौनी निगाहों से हमें उनके साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं और इसके जो वैकेब हैं वो मैं क्वेश्चन आंसर के साथ करवाऊंगी। सबसे पहले हम इसके लर्निंग वर्ड्स देख लेते हैं। लर्निंग वर्ड्स है वो रिलेटिव है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से। तो रोंग इसका रूट वर्ड है, तो रोंग का सिनोनिम्स इनकरेक्ट हो जाएगा और एंटोनिम्स इसका राइट हो जाएगा। एंड इसका फ्रेंड का यहाँ पे कंपेनियन, कंपेनियन और ये यहाँ पे इनेमी। अनलाइक का डिस्परेट और यहाँ पे लाइक। अनेबल का यहाँ पे अनस्किल्ड एंड एबल। एंड कंटिन्यूड का यहाँ पे रेगुलर, और या फिर हम कैरी ऑन विद भी कर सकते हैं। और स्टॉप या फिर डिसकंटिन्यू इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। असेम्ड का इसका गिल्टी हो जाएगा और एंटोनिम्स इसका प्राउड हो जाएगा। रेगुलर का सिस्टमेटिक हो जाएगा और एंटोनिम्स का इरेगुलर हो जाएगा। कंसिडर इसका रिगार्ड हो जाएगा एंड रिजेक्ट या फिर रिफ्यूज इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। इसके बाद हम इसके जो ट्रू फॉल्स हैं वो देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स में इसके फर्स्ट वाला फॉल्स है, सेकेंड और थर्ड इसका ट्रू हो जाएगा, फोर्थ वाला भी इसका फॉल्स हो जाएगा। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि इसके जो
फिलिंग द ब्लैंक्स हैं हमें चैप्टर में से फिल करने होते हैं, तो वो मैंने एज यूजल बता रखा है कि हमें जो चैप्टर अगर हमने अच्छे से रीड किया है तो वो हमें पता चल जाता है कौन कहाँ से लाइन में है, वहाँ पे स्टॉप हो रहा है, उसके आगे वो लाइन हमें वहाँ पे ऐड कर देनी है। तो ये मैंने एक ऑलरेडी कर भी रखी है, आप वीडियो को स्टॉप करके देख लेना। और टिक वाले क्वेश्चन दिखा देती हूँ एक बार मैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर और वैकअप करते हैं। टिक वाले में इसके जो थॉट्स हैं वो हम दिखा देते हैं। जैसे रेसिपी वॉइस ऑफ द नमकीन वेंडर, तो जो वेंडर है वो नमकीन अपनी वॉइस में वो नमकीन बेच रहा है, सेल आउट कर रहा है, तो उसमें यहाँ पे उसके थॉट्स से रिलेटिव यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। और बी वाले में कवर्ड इन रेंज हो जाएगा, सी वाले में थर्ड नंबर और डी वाले में सेकेंड नंबर। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। एक बार मैं इसकी जो वेकेब है वो आपको दिखा देती हूँ। उसके अंदर मैंने जो जो हमें अपनी जो रूट वर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो भी वर्ड लिखा मुझे सही लगा वो मैंने यहाँ पे राइट करवाया है, तो आप यहाँ पे वीडियो को पूछ करके देख लेना। बाकी हमें कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, वैसे आपकी बुक के अंदर है, तो जो वर्ड आपको अच्छा लगे वो आप राइट कर लेना। और एक बार मैं आपको हल्का ब्रीफली आपको इसको मैं करवा देती हूँ। ठीक है, वैसे काफी सारी वर्ड मीनिंग है इसके अंदर, चैप्टर भी इसका काफी लेंदी था और इसकी वर्ड मीनिंग भी काफी सारी हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग हैं ये हमें एंटोनिम सिनोनिम्स में बहुत ज्यादा काम आती हैं, तो आप इनको साथ के साथ में लर्न करते रहा करो ताकि आपको आपकी जो वैकेब है वो स्ट्रोंग बन जाए। अगर आपकी वैकेब स्ट्रोंग होगी तो आपको इंग्लिश समझने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। और वीडियो को पॉज करके आप इनको देख लेना, काफी सारी इसकी वर्ड मीनिंग बहुत ज्यादा है। ओके, एक और है यहाँ पे, इधर दिखा देती हूँ। देखो ये वर्ड आया था हमारा जिसके ऊपर हमारा चैप्टर भी डिपेंड करता है, प्रेजुडियस यानी नैरो माइंडेड, जिनका विचार है, जिनका माइंड है वो नैरो होता है। इसके बाद हमारी बारी आती है इसे क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर हमारा फर्स्ट है कि हाउ डिड द राइटर डिस्क्राइब द कोच, तो कोच के बारे में यानी कि वहां का जो डिब्बा था ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर थे वो चढ़ रहे थे उतर रहे थे उनका जो साइट थी जो सीन था वो कैसा था। तो सीन था अकॉर्डिंग टू राइट द कोच वाज वेरी क्राउडेड एंड ओवरफ्लो, यानी काफी भीड़ भाड़ वाला था और ओवरफ्लो हो रहा था। देर इज ए बैड स्मेल ऑफ स्वेट मिक्सिंग विद हेड परफ्यूम, यानी काफी यानी तेज जो परफ्यूम ला रखी थी, यानी बहुत गंदी सी स्मेल आ रही थी, स्वीट और पसीने जैसी स्मेल आ रही थी स्वेट। एंड फिश ले इन द बास्केट एंड इट वॉज पैक्ड विद डेली कमेंटर्स, सम वर एंटरिंग फोर्सफुली वाइल सम अपोलोजिटिकली। ओके, तो ये मैंने सब आपको हिंदी में थोड़ा ब्रीफली आपको बता दिया था, तो ये कोच का डिस्क्राइब है। देन उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा व्हाई डिड द राइटर ग्लेयर एट द मैन विद हेट्रेड, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि द राइटर ग्लेयर्ड एट द मैन विद हेट्रेड बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर ही वॉज ए डर्टी मैन, वो उस वेंडर के लिए यूज हुआ यहाँ पे कि वो एक डर्टी गंदा सा आदमी दिख रहा था वो, एंड ही वो डर्टी क्लॉथ यानी कपड़े भी उसने गंदे से पहन रखे थे, एंड सी डिड नॉट बिलीव ऑन हिम, तो जो उसकी मदर थी वो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया उसने। मैंने इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो हमारा हो जाएगा व्हाई डिड रिमी स्पेंड, जो उसके वो लड़की थी जो मैंने आपको इस स्टोरी में बताया था उस लड़की का नाम रिमी है, व्हाई डिड रिमी स्पेंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी इन मॉर्नफुल सैडनेस, तो वो दुखी क्यों थी, लटकाया बेचारा क्यों था उसका, तो उसका आंसर हो जाएगा कि रिमी वॉज अपसेट बिकॉज हर मदर डिड नॉट ब्रिंग पीनट पैकेट फॉर हर, क्योंकि उसकी मदर ने उसको क्या नहीं दिलाया था, पीनट का पैकेट नहीं दिलाया था उसके लिए, जिसकी वजह से वो काफी दुखी थी। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा कि वो डिड रिमीज मदर नोटिस, कि उसके जो रिमी की मदर थी उसने क्या नोटिस किया कि व्हेन सी टर्न बैक, जब वो पीछे मुड़ी तो वाइल गोइंग आउट ऑफ द ट्रेन स्टेशन, कि क्या हो रहा था वहां पे, क्यों भाग रहा था वो स्टेशन के ऊपर, क्यों मतलब क्या उस दौरान वो जब पीछे मुड़ी तब, तो उसका आंसर हो जाएगा सो व्हेन सी टर्न बैक वाइल गोइंग आउट ऑफ द स्टेशन सी नोटिस दैट द नमकीन वेंडर फ्लैंगिंग हिज आर्म्स, यानी हाथों को वो लहरा रहा था इन द एयर हवा के अंदर एंड कॉलिंग हर, उनका नाम पुकार रहा था। तो मैंने हिंदी में जो लाइटली जो आपको स्टोरी बताई थी उसमें आप देखा कि वो कैसे पीछे पीछे भागता है और वो उनकी जो गोल्ड की चैन होती है वो उसको रिटर्न करना चाहता है, पर उसकी जो मदर होती है वो उसे गलतफहमी हो जाती है।
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द मैन डू विद रिमीज, तो ब्रेसलेट, सॉरी सॉरी ब्रेसलेट, वो चैन नहीं थी, मतलब हाथों वाले जो चैन होती है, जो ब्रेसलेट होते हैं उसके लिए यूज होता है ये, है ना। तो सी सॉरी ही रिटर्न्ड द ब्रेसलेट ऑफ रिमी, तो वो उसको क्या वो लौटाना चाहता है, जो रिमी की जो चेन होती है, जो ब्रेसलेट होता है, उसको वो लौटाना चाहता है। ओके, इसके बाद इसकी जो यूजिंग ग्रामर है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इसकी जो यूजिंग ग्रामर है वो हमारे रिलेटेड है स्पीच से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैंने लास्ट जो चैप्टर हमने रीड किया था, मैंने उसमें भी कहा था कि जो वॉइस होती है हमारी, एक्टिव एक्टिव पैसिव वॉइस है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, इसके अंदर टेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर हमें हमारे टेंस है वो अच्छे से हमारे हमें नहीं आते हैं, उनको ट्रांसलेट करना हमें नहीं आता है, तो हम हमारा ये हमारे जो दोनों टॉपिक है वो हमारे अधूरे रह जाएंगे, हम उनको कभी भी ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इनको करने के लिए मैं वैसे बता तो दूंगी आपको, बट इनको मैंने यहाँ पे देखो मैं बता देती हूँ। इस फर्स्ट जो रूल होता है वो इसका रूल ये होता है, उसमें भी का मतलब ये क्या है कि एक कंफ्यूजिंग जो मैटर होता है वो होता है यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, इनका जो टेंस वाला जो पोर्शन होता है, टेंस का जो एक्टिव पैसिव में चेंज करते हैं और टेंस का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में स्पीच में कन्वर्ट जो चेंजिंग करते हैं, वो काफी बच्चे मिक्सअप कर देते हैं उसको। टेंस स्पीच वाला एक्टिव पैसिव में कर देते हैं, एक्टिव पैसिव वाला स्पीच के अंदर कर देते हैं। तो ये रूल तो आपको अच्छे से रटने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला आपने स्पीच में कर दिया, स्पीच वाला आपने उसमें वॉइस में कर दिया, तो आपका पूरा पोर्शन गलत हो जाएगा, सब पे पानी फिर जाएगा। तो आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, एनीथिंग पे, चाहे आपको रट्टे मारने पड़े, चाहे आप उसको समझ के करें, चाहे आप उसे लिख के करें, कैसे भी करें, बट आपको इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको इनको आपके माइंड में बिठाने ही पड़ेंगे। आपको अगर आपने मिक्सअप किया तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, देख लो। तो मैं इसके बाद इसके जो फिल द ब्लैंक्स है वो एक बार दिखा देती हूँ, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। फर्स्ट है इसमें द कुक सेड टू हिज मास्टर, फर्स्ट तो इसमें करके दे रखा है। फिर है इसमें बी वाला है, वैसे मैंने इसमें जहाँ ग्रामेटिकल पोर्शन है उसके अंदर मैंने एक्टिव पैसिव वाला तो डाल रखा है, बट स्पीच वाला नहीं डाल रखा है। कोशिश करूंगी मैं जल्दी उसके नोट्स बना के आपको डालूं और आपको अच्छे से मैं इसको समझाऊं। और बाकी एक्टिव पैसिव वाला है, अगर आप किसी ने नहीं देखा है तो आप वीडियो को जाके वहां पे देखें ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। देखो एक्टिव पैसिव और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और जो टेंस होते हैं वो ग्रामर की जान होते हैं, जान जिसे हम कहते हैं ना, बिना जान के बॉडी किसी काम की नहीं होती है। तो ग्रामेटिकल जो पोर्शन है इन तीनों के बिना कुछ भी नहीं है। ओके, तो आपको इनको कैप्चर करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, यू विल हैव टू डू, आपको इनको करना ही पड़ेगा। विदाउट देम आप कुछ भी अपने ग्रामेटिकल पोर्शन को कभी भी मजबूत नहीं बना सकते हो। जी देखो हमने देख लिया, अब यहाँ पे एच नेक्स्ट पेज में हमारा है, यहाँ पे ही सैड अमन हैज कंपोज ए गुड नंबर ऑफ सॉन्ग्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी करके दिए हुए हैं, मैंने करवा दिए थे बच्चों को, फिर मैंने उनको बोल दिया था कि वो फिलअप कर ले, तो आप इनको देख लेना एक बार वीडियो को पॉज करके। अगर फिर भी अगर कोई मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे पता है मेरा चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है, बेनिफिशियल है, बिकॉज ऑफ जो भी मटेरियल जो भी मैटर मैं ओपन स्क्रैच का आपको आप मैं गूगल पे या फिर सॉरी यूट्यूब पे मैं डालती हूँ, वो किसी ने भी नहीं डाल रखा इस तरह से पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। कुछ भी मतलब बच्चों को प्रॉब्लम आती ही आती है इसे करने के लिए, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, बाय बाय।